यहाँ पर तमाम अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं और पीएम मोदी की मन की बात का 100वां एपिसोड सुनने के लिए ही आए हुए हैं। इन लोगों से जरा बात कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरीके की खुशी इनके अंदर है। और कहाँ से आए? राजस्थान से आए हुए हैं। कैसा लगा कार्यक्रम में आपको? ये 100वां एपिसोड पूरा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात का, कैसा लगा? स्मरणीय, अद्भुत, प्रेरणा जी। तो क्या मतलब, जैसे कि पीएम मोदी ने तमाम ऐसी बातें बोली, बेटियों को लेके बातें बोली, मेड इन इंडिया को लेके बातें बोली, उस पर आपका क्या कुछ है? प्रधानमंत्री मोदी जी इस मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत इस प्रकार की कहानियां लेके आता है, प्रेरणा देती है और एक वो सामाजिक क्रांति की दिशा में वो आगे बढ़ती है। जैसे सेल्फी विद डॉक्टर, ये कार्यक्रम पूरे देश में वायरल हुआ और बेटियों की कदर होना प्रारंभ हुई, जैसे स्वच्छ भारत मिशन का भी इसमें जुड़ हुआ। इस प्रकार के तमाम जितनी भी ऐसी बातें हैं वो हम सबको प्रेरणा प्रदान करती है, पूरे देश को प्रेरणा प्रदान करती है। बिल्कुल, बहुत सही बात बोली आपका नाम, आपका शुभ नाम वेद प्रकाश जी, जिला नाम वाजपेयी जी। वेद प्रकाश जी ने बहुत बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने बताया जिस तरीके से पीएम मोदी हमेशा ही अच्छी बातें करते हैं, मन की बात में राजनीति से हटकर बातें की जाती है और मन की बात में जिस तरीके से आज बेटियों को लेकर बात की गई वो भी बहुत ही सराहना देने वाली बात थी। ऐसे ही तमाम लोग भी यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और लगातार लोग जो है अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं।